अब आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1903 में होता है और निधन 1987 में। इस काल के दूसरे प्रसिद्ध नाटककार मिश्र जी हैं। उन्होंने दो प्रकार के नाटकों की रचना की है, पहला समस्या नाटक और दूसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक। पर उनकी प्रसिद्धि का आधार समस्या नाटक है। पश्चिम में इब्सन और शाह के समस्या नाटकों की धूम थी, वे एंटी रोमांटिक नाटक लिख रहे थे। मिश्र जी ने डीएल राय और प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में नाटक लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। उन्होंने बुद्धिवाद के समर्थन में लिखा है कि मैं बुद्धिवादी क्यों हूँ। उनके नाटक शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी, कथ्य की दृष्टि से प्रतिक्रियावादी और उद्देश्य की दृष्टि से पुनरुत्थानवादी हैं। वे अपने नाटकों में भारतीय विवाह प्रणाली का समर्थन और स्वच्छंद प्रेम का विरोध करते हैं। उनके यहाँ प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग हैं। इब्सन ने कहा है कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। उनके सन्यासी की मालती कहती है, और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज़ है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन की, किसी महीने की, किसी साल की, घड़ी भर के लिए जो चाहे जितना दुख सुख दे, उसमें जितनी बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वह ठहरता नहीं है। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, ये सब नाटक हैं। मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली आदि नाटकों का मुख्य स्वर यही है। बुद्धिवाद का दावा करने के बावजूद मिश्र जी इब्सन और शाह के अर्थ में बुद्धिवादी नहीं हैं। शाह और इब्सन रूढ़ी भंजक हैं, वे नए नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। मिश्र जी वितर्क के आधार पर भारतीय परंपरा की रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। प्रसाद भारतीय परंपरा के प्रगतिशील तत्वों का अन्वेषण करते हैं तो मिश्र जी मृत परंपराओं को जिंदा करना चाहते हैं। सिंदूर की होली में वे विधवा विवाह के विरोध पर आमादा हो जाते हैं। आजीवन एक पुरुष के साथ रहने का उनका सिद्धांत परंपरा की एक रूढ़ी है और सिंदूर की होली में भी इसी का प्रतिपादन है। वत्स राज है, दशाश्वमेध है, वितस्तता की लहरें हैं आदि ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों में भी सनातन आर्य संस्कृति को वरेण्य माना गया है। यह भी बुद्धि विवेकवाद के विरुद्ध पड़ता है। प्रसाद के अन्य नाटकों में जैसे पंत की ज्योत्सना है, सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना, मैथिली षड्गुप्त का अनघ, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा, विश्वमित्र और राधा, प्रेमचंद का करबला है, चतुरसेन शास्त्री का नाटक उत्सर्ग है, गोविंद बल्लभ पंत का अंगूर की बेटी है, हरे कृष्ण प्रेमी का सिवा साधना, रक्षा बंधन, प्रतिशोध आदि उल्लेख्य हैं। किंतु ये नाटक हिंदी नाटकों के विकास में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं देते हैं। तो छायावाद युग में जो नाटक लिखे गए वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आता है उपन्यास। छायावाद युग में उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। स्वच्छंदतावाद युग के उपन्यास अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से प्रवृत्ति और विन्यास दोनों से भिन्न हैं। अभी तक तो उपन्यास तिलस्मी, भूल भुलैया, जासूसी, चमत्कार, जादुई, ऐतिहासिक, रोमांस के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। जो दो चार सामाजिक उपन्यास उस समय लिखे गए वे शुद्ध उपदेशात्मक हैं। ऐसी स्थिति में नए नए उपन्यासों को पूर्ववर्ती उपन्यासों की निरंतरता में नहीं, विच्छन्नता में देखा जाना चाहिए। प्रेमचंद इसी विच्छन्नता को लेकर आए। उपन्यास कोरे मनोरंजन के दायरे से निकल के पहली बार समाज से जुड़े
अतः प्रेमचंद का आगमन ऐतिहासिक घटना के रूप में लेना चाहिए। इसके बावजूद प्रेमचंद स्वच्छंदतावाद से मुक्त नहीं है, क्योंकि अपने परिवेश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस काल के केंद्रीय उपन्यासकार थे। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम है जैनेन्द्र का। छवादी कवियों में प्रसाद और निराला ने भी उपन्यास लिखे हैं। कविता की तरह उपन्यास के क्षेत्र में भी यह युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेमचंद को। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में और निधन 1936 में। प्रेमचंद का जन्म बनारस शहर के निकटवर्ती गांव लमही में हुआ था। उनका बचपन खेत खलिहानों में घूमने, गुल्ली डंडा, आती पाती खेलने, मौलवी उस्तादों के चिढ़ाने खिजाने और गरीबी से लड़ने झगड़ने में बीता था। वे धर्म में आर्य समाजी और राजनीति में गांधीवादी थे। महात्मा गांधी के असाधारण व्यक्तित्व, व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन और उद्धात नैतिक मूल्यों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने उन्हें नए सिरे से सोचने पर बाध्य किया। गांधीवाद और समाजवाद के अंतर्विरोधों की प्रतिध्वनियाँ उनके कथा साहित्य में प्रायः सुनाई पड़ती हैं। प्रेमचंद के लेखकीय जीवन का आरंभ उर्दू उपन्यास कहानी लेखन से हुआ। उनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। इसी जब्ती से कहानियों का मिजाज तथा प्रेमचंद के भावी लेखन का स्वरूप जाना जा सकता है। इस संग्रह के जब्त होने के बाद उन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदल के प्रेमचंद रख लिया। वे गरीब जनता के पक्षधर। प्रेमचंद का नाम नवाब राय नाम था। कितना उटपटांग और अंतर्विरोधपूर्ण। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में हुआ और हिंदी उपन्यासों का अनुवाद उर्दू में। इस तरह वे हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के अन्यतम कथाकार ठहरते हैं। उनका पहला महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन उनके उर्दू उपन्यास बजारे हुस्न का हिंदी अनुवाद है। कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। हिंदी भाषा के महत्व और व्याप्ति को देखते हुए वे हिंदी भी लिखने लगे। सेवा सदन उनका उपन्यास जो है 1918 में आया, इसको प्रेमचंद ने स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। तो प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? तो सेवा सदन को। इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या के रूप में लिया गया है। प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों में वेश्याओं के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित किया गया है। प्रेमचंद इसके लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक सूत्रों की खोज करते हैं। दहेज प्रथा, अनवैध विवाह ही वेश्यावृत्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि उपयुक्त शिक्षा का अभाव और प्रतिकूल परिवेश भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। मध्यवर्ग की झूठी मर्यादाएं भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस मर्यादा को प्रेमचंद निरंतर तोड़ते रहते हैं। पर इस समस्या का जो आर्य समाजी हल प्रेमचंद ने दिया है वह बहुत कारगर नहीं है। सेवा सदन की स्थापना एक स्थूल हल है। वेश्याओं को नगर के बाहर बसाना भी एक कामचलाऊ नुस्खा है। प्रेमाश्रम जो 1922 ईस्वी में आता है, ये हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। चंपारण जो बिहार में है, अवध, गुजरात आदि में किसान आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में चल रहा था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना की जो ज्योति जगाई वह निरंतर जलती रही।
गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामान्य जनता में इस विश्वास को दृढ़ करना था कि वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद तथा उसके पोषक जमींदारों, देसी राजाओं, पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ सकती है। महात्मा गांधी की कार्य प्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है। आंशिक रूप से यह बोलशेविक क्रांति से भी प्रभावित है। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो बोलशेविक क्रांति से भी प्रभावित है? तो प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम में किसान जमींदारों की धौस, बेगारी, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। यहाँ कोई दबैल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौस क्यों सहें? एक एक के सिर तोड़ कर रख दो मियाँ, हमारी गर्मी पाँच पाँच रुपल्ली के चपरासियों के मान की नहीं। जाओ अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो, जो तुम्हारा काम है। हमारी गर्मी के फेर में ना पड़ो, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। इस उपन्यास का एक पात्र बलराज है, जो रूस और बल्गेरिया के किसान मजदूर राज्य की बात करता है। दमन चक्र में किसान पिस जाते हैं, किंतु अंत में गांधीवादी जमींदार प्रेम शंकर के प्रभाव से लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। खूनी डॉक्टर प्रियानाथ, अत्याचारी थानेदार दयाशंकर आदि प्रेमाश्रम में बागवानी करने लगते हैं। गांव में रामराज्य स्थापित हो जाता है। इस कृत्रिम आदर्शवाद के कारण प्रेमाश्रम का पूर्वार्ध एक उपन्यास हो जाता है तो उत्तरार्ध दूसरा उपन्यास। रंगभूमि में अंधे सूरदास का, जो एक छोटी सी जमीन का मालिक है, पूंजीपति जान सेवक से सीधा संघर्ष वर्णित है। फिर भी इसका फलक बनारस से लेकर राजस्थान तक फैला है, जिस पर अनेक वर्गों, धर्मों, जातियों का वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग अंकित है। मूल कथा सूरदास और जान सेवक से ही संबद्ध है। जान सेवक एक उद्योगपति है, वह पांडेपुर गांव में सिगरेट का उद्योग बैठाना चाहता है। इसके लिए उसे गांव की भूमि की आवश्यकता थी। सूरदास ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया, किंतु जान सेवक के साथ तालुकेदार भगत सिंह भी थे और अंग्रेज हाकिम क्लर्क भी। जान सेवक ने किसी तरह जमीन हथिया ली। अब गांव खाली करने की बारी आई। अन्य लोगों ने गांव खाली कर दिया, पर सूरदास अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार न था। पुलिस बुलाई गई, जनसमुद्र उमड़ रहा था। पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। गोरखा फौज बुलाई गई। सूरदास डरा कि इस बार बहुत लोग मारे जाएंगे, अतः अन्याय के विरुद्ध उसने अकेले लड़ने का निश्चय किया। वह भीड़ को संबोधित करता है कि आप लोग मेरी सहायता करने नहीं आए हैं। हाकिमों के मन में, पुलिस के मन में जो दया और धर्म का ख्याल आता, उसे आप लोगों ने जमा होकर क्रोध बना दिया है। मैं तो अकेले हाकिमों को दिखा देता कि एक दीनहीन अंधा आदमी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है। मैं धर्म के बल पर लड़ना चाहता था, पर अंधे सूरदास जो था वो क्लार्क की गोली से शहीद हो गया। चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने सामूहिक सत्याग्रह बंद कर दिया था, किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट थी। सूरदास का सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह था। पुलिस और हाकिम के मन में दया धर्म पैदा करने का सिद्धांत कितना खोखला है, इसे सूरदास की मौत से समझा जा सकता है। इसका स्पष्ट संकेत प्रेमाश्रम में मिल चुका है। सूरदास की मुख्य कथा के साथ विनय और सोफिया की गौड़ कथा भी चलती है।
इस कथा के माध्यम से अंग्रेज साम्राज्यवादियों के अत्याचारों, रियासती राजाओं की क्रूरताओं से पिसती हुई प्रजा की दयनीय दशा का भी चित्रण है। सोफिया ईसाई होकर भी हिंदू से प्रेम करती है, प्रेम धर्म से ऊपर होता है। छायावादी कवियों की तरह प्रेमचंद ने इसे उपन्यास में भी चित्रित किया है। कर्म भूमि में मुसलमान लड़की और हिंदू लड़के का प्रेम वर्णित है। छायावादी प्रेमिकाओं की तरह उनमें भी वेदना की कसक और राष्ट्रीयता है, पर उपन्यास की बुनावट में दोनों कथाएं अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। महात्मा गांधी उद्योगीकरण के विरुद्ध थे। वे देश की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के समर्थक थे। इससे दो लाभ थे, एक तो बेरोजगारी की समस्या हल होती थी और दूसरे उद्योग जन गंदगी, आपाधापी, हुल्लड़बाजी आदि पनपने नहीं पाती थी। नए संदर्भों में कुटीर उद्योग पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सूरदास पूर्णतः गांधीवादी है। आवश्यकता है कि गांधी जी के हिंद स्वराज पर नए सिरे से विचार किया जाए और पश्चिम के अंधानुकरण से बचकर अपनी स्वस्थ किसानी परंपरा से जुड़ा जाए। कायाकल्प 1926 के अलौकिक और अतिरंजनापूर्ण प्रसंग, जैसे बाबाओं के चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धों को तरुणी में बदलना, प्रेमी युगल का नक्षत्रालोक का सैर सपाटा आदि प्रेमचंद के कथा साहित्य के क्षेपक प्रकरण मालूम पड़ते हैं। अतः कायाकल्प पे विचार करना अप्रासंगिक है। प्रेमाश्रम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास गबन है। गबन 1931 में आता है, यहाँ 1930 डेट दिया गया है। इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से खोखला होता है, पर इस खोखलेपन को वह बाहरी टिमटाम, झूठे प्रदर्शन, बड़बोलेपन से ढांकता फिरता है। वह जो कुछ नहीं है उसी को सिद्ध करता है और जो कुछ है उसका निषेध करता है। रमानाथ इसी तरह का मध्यवर्गीय पात्र है। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को प्रेम करता है, पर काल्पनिक पैतृक ऐश्वर्य का रौब भी गालिब करता है। घर की वास्तविक आर्थिक दशा जालपा के सामने आती ही नहीं। वह आभूषण का तकाजा करती है, फलस्वरूप रमानाथ गबन करता है। वह भाग कर कलकत्ता जा पहुंचता है। जालपा भी कलकत्ता आती है। देवी दीन खटीक का घर उपन्यास का रंगमंच बनता है। जालपा के चरित्र में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है और उपन्यास राजनीतिक हो जाता है। अन्य उपन्यासों की तरह इसका ढांचा भी ढीला है। राजनीतिक मोड़ स्वाभाविक नहीं लगता। यह उपन्यास का अलग अंग है पूर्वार्ध से भिन्न। गबन के छपने से ठीक एक वर्ष पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। जतिन दास की लंबी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की। फलस्वरूप एक सामाजिक उपन्यास राजनीतिक उपन्यास में बदल गया और सब कुछ तेजी से परिवर्तित होने लगा। इस बदलाव की भूमिका में देवी दीन खटीक और उसकी पत्नी जग्गो को प्रतिष्ठित किया गया। उनके दो जवान बेटे विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए शहीद हो गए, इसका उन्हें गर्व है। देवी दीन नेताओं की असलियत जानता है। वह कहता है, अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब भी तुम भोग विलास पर मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब भी तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों के पशुवत जीवन को खोल कर रख देना भी वह नहीं भूलता। देवी दीन के प्रभाव से जालपा भी बदलती है।
और रमानाथ की दोबारा गवाही से क्रांतिकारी अभियोग मुक्त होते हैं। अन्य उपन्यासों की तरह पुलिस का जुल्म यहाँ भी दिखाया गया है। अंत में यहाँ भी एक स्वर्ग उतारा गया है जहाँ सब लोग कर्मलग्न होकर सुख शांति से जीते हैं। अब आता है कर्म भूमि, प्रेमचंद का उपन्यास जिसका डेट 1933 है, यहाँ 32 दिया गया है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि डेट यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिलेंगे, पर कर्म भूमि का डेट 1933 है। कर्म भूमि प्रेमाश्रम की अगली मंजिल है। प्रेमाश्रम में केवल किसान लड़ाई के मैदान में थे, पर कर्म भूमि में उनके साथ मजदूर, छात्र, मध्य वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन आदि सभी लोग हैं। सन 1930 के असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों के लोग शामिल थे। सन 1928 में किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। इसी वर्ष बारडोली का लगान बंदी आंदोलन भी शुरू हुआ। सन 1939 में गांधी इरविन पैक्ट हो गया। इस देशव्यापी आंदोलन की औपन्यासिक अभिव्यक्ति कर्म भूमि में हुई है। कर्म भूमि आंदोलन का जो नेता है वो अमरकांत है। वह कुछ दूर तक किसानों का साथ देता है, लगान कम कराता है, लेकिन महंत के सामने झुक जाता है। आत्मानंद को जेल भिजवाता है, पुलिस के जुल्म से बचने के लिए जेल जाता है। उस समय के सामान्य नेता की यह सच्ची तस्वीर है। इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लगानबंदी आंदोलन होता है, पुलिस जालिमाना सख्ती करती है, गिरफ्तारी होती है, गोली चलती है, लोग हताहत होते हैं, गोरे गुंडे बलात्कार करते हैं, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं होता। पुरुषों के साथ चलने में स्त्रियां पीछे नहीं हैं, लेकिन जनता कुछ डग आगे ही हैं। अंत में एक समझौता होता है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, किंतु उपन्यास के उत्तरार्ध में प्रेमचंद की सुधारवादी मनोवृत्ति प्रबल हो जाती है। पर उपन्यास में ऐसे आंदोलनों के प्रति वे अपनी शंका भी अभिव्यक्त करते चलते हैं। सैकड़ों घर बर्बाद हो जाने के सिवाय और कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः वे इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हमारी शक्ति पूरी जाति की आत्मा को जगाने में लगनी चाहिए। अपने उपन्यासों से प्रेमचंद ने यही काम किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। उन्हें कोई गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मे से चश्मे का रंग हावी हो जाता है। प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। वादग्रस्त होकर न जीवन को ठीक ठिकाने से देखा जा सकता है और न साहित्य को। अतः प्रेमचंद को विभिन्न कोणों से देखकर ही उनकी वास्तविकता समझी जा सकती है। वे मूलतः गांधीवादी हैं और भारतीय परंपरा से उनका गहरा लगाव है। गोदान 1936 के पहले के उपन्यास गांधीवादी प्रभाव के कारण एक सांचे में ढले हुए हैं। गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त हैं, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है। न तो उन्हें गांधीवादी यूटोपिया में विश्वास रह गया है और न बल्गेरिया और रूस से आने वाले पत्रों में छपी किसानों की खुशहाल जिंदगी की खबरों में। वे अपने देश के किसानों की दयनीय जिंदगी का सीधा साक्षात्कार करते हैं और गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्श करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। प्रेमचंद किसान जीवन का औपन्यासिक चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय उपन्यासकार नहीं थे।
उनके पहले उड़ीसा के फकीर मोहन सेनापति ने सन 1847 में छमाड़ आठ गुंठ 6 बीघा जमीन में किसान जीवन की समस्याएं उठाई थी, पर प्रेमचंद के युगानुरूप इसे व्यापक, जटिल और गंभीर बनाया है। जिस भारतीय संस्कृति को प्रसाद अपने नाटकों उपन्यासों में खोज रहे थे, उसी को उसके लोकोन्मुखी रूप को प्रेमचंद तत्कालीन इतिहास के जीवन में किसानी संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसानी भाषा का प्रयोग किया। विभिन्न वर्गों जातियों की सांस्कृतिक जड़ें उनकी भाषा में निहित होती हैं। रमानाथ और देवी दीन खटीक की भाषा अलग है। मालती मेहता और धनिया होरी की गाय सांस्कृति और गृहस्थिक जीवन की भाषा अलग है। राय साहब की रामलीला और गोबर की होली का हुड़दंग भाषाई स्तर पर अलग है। इसलिए सांस्कृतिक स्तर पर भी होरी की मृत्यु सहज सरल ग्रामीण जीवन की भी मृत्यु है। शहर और गांव के गरीबों की संस्कृति एक है। पठान इन पेट काट कर अमरकांत के नवजात शिशु के लिए कुर्ता और टोपी तैयार करती है। इसके साथ उसका हार्दिक प्यार लिपटा हुआ है। औद्योगिक सभ्यता गांव के सामूहिक जीवन को नष्ट करती जा रही है। नृत्य गीत से संबद्ध जन संस्कृति को बड़े लोग घृणा करते हैं। प्रेमचंद उसे जीवित रखने के पक्ष में हैं। प्रेमचंद के महत्व को स्वीकार करते हुए भी उनकी कलात्मक त्रुटियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके सभी उपन्यासों के कथानक शिथिल हैं। शिथिलता या बिखराव अपने आप में दोष नहीं है, बशर्ते वह उपन्यासिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। गोदान के अतिरिक्त अन्य उपन्यासों की हृदय परिवर्तनवादी परिणतियाँ उन्हें कृत्रिम बना देती है। जगह जगह उत्तारक नैरेटर का हस्तक्षेप उपन्यास कथा प्रवाह का हस्तक्षेप बन जाता है। गोदान ऐसे यथार्थपरक उपन्यासों में भी नगर कथा ठूस ठास बन जाती है और स्थान स्थान पे पैबंद और भी हैं, किंतु इससे प्रेमचंद का महत्व कम नहीं होता। और यहीं पे प्रेमचंद हमारे समाप्त होते हैं। इनके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।